बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन हैदराबाद पर और आज मैं एक फास्टेस्ट जर्नी करने वाला हूँ 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस में हैदराबाद से टंडो आदम तक। हमारी ट्रेन 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ चुकी है, कुछ ही देर में अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो जनाब, हमारी ट्रेन चलना शुरू हो चुकी है और सामने से मिल्लत एक्सप्रेस नज़र आ रही है जो कराची जा रही है, और ट्रेन में बहुत ही रश है, इसलिए ट्रेन में किसी जगह बैठकर कवरेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं गेट पे खड़ा हुआ हूँ, इसलिए लोग धक्के भी दे रहे हैं और कैमरा भी हिल रहा है। तो इसी अस्ना में हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन हैदराबाद से और अपना आगे का सफ़र जारी है टंडो आदम की जानिब। बहुत ही तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रही है ट्रेन। हज़ारा एक्सप्रेस की स्पीड काफ़ी होती है, मशहूर है स्पीड के हवाले से। हज़ारा एक्सप्रेस GU40 के लीड पे लगा हुआ है और टंडो आदम की तरफ हमारा सफ़र जारी है। इस वक्त टंडो आदम और हैदराबाद के दरमियान जो खेत और खलियान है, सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, उसके दरमियान से ट्रेन अपनी फुल रफ्तार से दौड़ती हुई। GU40 फिर आकर उसकी अपनी लेवल है जो आप देख रहे हैं कि किस तरह ये बहुत ही लंबी ट्रेन है, इसको खींच के किस स्पीड में जा रहा है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। सैलाब का पानी अब भी आपको नज़र आ रहा होगा। हालिया जो बारिशें हुई थी इस मानसून में, बहुत ही तेज़ बारिशें हुई थी, जिससे अभी तक ट्रेन ऑपरेशन मुकम्मल बहाल नहीं हो सका और अब भी रेलवे ट्रैक के आसपास आपको पानी नज़र आ रहा है। तो जनाब, मिलाकर
टंडो आदम रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही छोटी सी नॉन स्टॉप जर्नी थी हैदराबाद रेलवे स्टेशन से टंडो आदम तक, और हम टंडो आदम पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, टंडो आदम रेलवे स्टेशन पर मैं उतर चुका हूं। मेरी मंजिल यहीं तक थी, GU409019 11 पादारा एक्सप्रेस को लीड करता हुआ आगे जाएगा। टंडो आदम का बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। तो जनाब, टंडो आदम रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है। प्लेटफार्म के दोनों तरफ से पार्क बनी हुई है और उसमें घास भी उगी हुई है। नीम के बहुत ही खूबसूरत दरख्त मौजूद हैं दोनों तरफ प्लेटफार्म के। और प्लेटफार्म पे जब हम नवाबशाह की तरफ देखते हैं तो स्टीम लोकोमोटिव खड़ा हुआ है। ये देखें, अभी मैं आ गया हूँ स्टीम लोकोमोटिव के पास। स्टीम लोकोमोटिव के इतने लंबे लंबे टायर होते थे। रजा भी हमारे साथ आया हुआ है यहाँ, और स्टीम लोकोमोटिव के साथ एक कोच भी खड़ा हुआ है मीटर गेज का। ये आप देख रहे हैं टंडो आदम रेलवे स्टेशन के मनाजर। तो जनाब, 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस GU40 की क़यादत में आगे की तरफ अपना सफ़र दोबारा शुरू कर रही है। टंडो आदम रेलवे स्टेशन पर 2 से 3 मिनट उन्होंने स्टॉप किया था और अब अपनी मंजिल मकसूद हवेलियां की तरफ दोबारा सफ़र शुरू कर रही है। अल्लाह ताला सबका सफ़र बखैरत फरमाए। तो हमारी ये छोटी सी जर्नी थी हैदराबाद से टंडो आदम तक। आज हम आए थे अवाम एक्सप्रेस को कवर करने के लिए, लेकिन वो ख़बर फेक थी, तो हमने जो ये सफ़र कर लिया। खैर, स्टेशन का विज़िट भी हो गया। इंशाल्लाह आगे किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।